देखिए बच्चों, आप देख सकते हो कक्षा 12वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021-2022। ठीक है, कक्षा 12वीं हिंदी आपका हिंदी विषय का जो पेपर है एमपी बोर्ड 2021-2022, उसमें आपको अलंकार आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर गाइड है परीक्षा प्रबोध कक्षा 12वीं की, है ना, नए साल की 2020-2022 की गाइड है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपका जो काव्य बोध वाला जो सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अलंकार परिचय यहाँ पर दिया गया है। इसका प्रकार मानवीकरण, पुनरोक्ति, प्रकाश अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमय अलंकार, विरोधाभास अलंकार, और जो अलंकार है, ठीक है, ये आप किसके क्वेश्चन आपको पेपर बनने वाले है। ठीक है, तो आपको आने आना है। ठीक है, तो इसलिए आपकी गाइड में यहाँ पर अलंकार दिए गए हैं, इसलिए आज की वीडियो में आपको क्या समझाने वाला हूँ, अलंकार पूरे समझाने वाला। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं समझ लीजिए, है ना। ठीक है, फटेगी तो नहीं, ज्यादा दम से दबा दिया। देखो ना, अलंकार देख लो, है ना, ये देखिए अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं समझो ना, अलंकार। अलंकार किसे कहा जाता है अच्छे समझिए। जैसे कि एक इसकी परिभाषा होती है, जैसे कि एक नारी होती है, एक क्या होती है, नारी। नारी मतलब क्या होता है, लड़की। ठीक है, लड़की अगर डायरेक्ट सीधी है तो अगर सादे कपड़े पहने तो कैसे दिखती है, नॉर्मल दिखती है। लेकिन मैं अगर उसको सजा दिया जाए, आभूषण पहना दिया जाए, गहने पहना दिए जाए, तो के तो शोभा बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार जो कविता होती है, जो क्या होती है, कविता होती है, तो कविता के जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कि आभूषण, अलंकार को आभूषण भी कहा गया है। ठीक है, है ना, काव्य यानी कविता की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अलंकार कहते हैं। मन में बोलिए, काव्य की शोभा, मन में बोलना है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन, जिन साधनों से काव्य की शोभा बढ़ जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार देखिए, अलंकार के तीन प्रकार। पहला होता है शब्द अलंकार, जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य आता है। किसके माध्यम से, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल से, है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खा 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 आया यहां पर। तो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ रही है, वहां पर क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। अगला होता है अर्थ अलंकार, जहां पर अर्थ के माध्यम से सुमनो सी मुस्कान तुम्हारी, सुमन का मतलब क्या होता है, फूल, फूलों की तरह तुम्हारी क्या है, मुस्कान है। तो शब्द के माध्यम से नहीं बढ़ रही यहां पर, पहले उसको समझना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर शब्दों के अर्थ के माध्यम से क्या बढ़ेगी, काव्य में शोभा बढ़ेगी। तो जहां पर कथन काव्य में अर्थ अर्थ के माध्यम से सौंदर्य बढ़ता है, किसके माध्यम से, अर्थ के माध्यम से क्या बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है, वहां पर क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अर्थ अलंकार होता है। और उभय अलंकार का मतलब क्या होता है, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उभय अलंकार। उभय अलंकार कहां पर होता है, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उभय अलंकार। अब जो अलंकार आपके सिलेबस में आया है यहां पर वो देख लीजिए, जो अलंकार आपके सिलेबस में आया वो अलंकार यहां पर देख लीजिए। कौन सा अलंकार, पहला उपमा अलंकार आपके सिलेबस में है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। तो देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, ठीक है, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, है ना। देखो उपमा, उपमा का अर्थ होता है एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर तुलना करना। जहां पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव के कारण किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। फिर से बोलो, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से क्या की जाए, तुलना की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। मान चलो तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तुमने देखे कि तुम एक लड़का वहां पर बैठा हुआ है और उसकी हेयर कट बिल्कुल तुम्हारे दोस्त के जैसी है, तुम देखे कि यार तो बिल्कुल अपना हेरिज लग रहा है करके, है ना कि नहीं, या फिर तुमने इसको देख करके तुमने बोले कि यार तो अपना नीलेश लग रहा है ना कि नहीं, ठीक है लग रहा है, तो आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए,
ठीक है। तो जहां पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या की जाए, तुलना की जाए किसी विशेष गुण के आधार पर, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। देखो ना इसके एग्जाम्पल, देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर यानी पीपल के पात यानी पत्ते, पीपल का पत्ता हवा में डोलते रहता है, हिलते रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी क्या होता है, डोलते रहता है। कभी दिमाग में कोई दूसरा विचार जाएगा तो कभी कहीं का विचार जाएगा, 24 घंटे कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, मन कह रहता है हमेशा डोलते ही रहता है। तो पीपल के पत्ते की तुलना किससे करें, मन से करें, एक वस्तु की दूसरे वस्तु से क्या करें, तुलना करें, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। आया कि नहीं आया समझ में, आया ठीक है। अगला, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। तो सीता माता के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है, की गई है। तो एक की तुलना दूसरे से की जा रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा, ठीक है। अगला अगला देखिए, मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। देखिए छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। छायावादी कविताएं, छायावादी कविताएं, मैंने आपको गद्य साहित्य में नहीं पढ़ाया है, देखो जो छायावादी कविताएं जो होती है, देखो ये छायावादी कविताएं कब से लेकर कब तक लिखी गई, 1920 से लेकर के 1935 के बीच में लिखी गई छायावादी कवि, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि छायावाद की कवि के चार नाम लिखिए, मैंने कैसे कोड वर्ड तैयार किया हूँ छायावादी कवि, है ना, है ना, सुसुजम, सुसु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत सारे तैयार किए मैंने ना। तो छायावाद के जो कवि थे ना, वो क्या करते थे, प्रकृति के प्रति उनका जो प्रेम होता था उसको व्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते थे। मतलब प्रकृति को आदमी के रूप में बताते थे, जैसे कि मतलब कि है ना, इसको प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। मतलब प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना, अगर काले काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही है, आंख बंद करके इमेजिन करो कि काले काले बादल है और क्या चमक रही है, बिजली चमक रही है, तो ये प्रकृति का सीन हो गया। अब इसका मानवीकरण कैसे करेंगे, जब नायिका हंसती है, आजकल अपन हीरोइन बोलते हैं, पुराने जमाने के लोग क्या बोलते थे मजे लेने के लिए, नायिका, जब नायिका क्या करती है, हंसती है, हने कि नहीं, जब नायिका हंसती है तो उसके दांत इतने प्यारे लगते हैं कि जिससे कि काले बादलों के बीच में क्या चमक रही है, बिजली चमक रही है। तो प्रकृति को किससे कंपेयर कर दिए, मानव से, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। गुलाब के कोमल पत्तों के समान उसके गाल है, मतलब इस प्रकार से कंपेयर करते थे उस समय कभी रचनाएं पढ़ना इनकी बहुत खतरनाक है, आजकल के तो फेल है सब, है ना, इनके आगे, ठीक है, है ना, ठीक है। मतलब प्रकृति की हर वस्तु में किसकी छाया देखना, मनुष्य की छाया देखना। जैसे कि देखो इसका एक एग्जाम्पल दिया है, मेखलाकर पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रग सुमन हाड़, अवलोक रहा बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला तार दर्पण सा फैला है विशाल, ठीक है। देखो अब इसकी तुलना देखो, यहां पर्वत को मनुष्य समझ माना गया है, पर्वत की तुलना किससे करा है, मनुष्य से, ठीक है। फूल को क्या कहा गया है, आंखें, और तालाब को क्या माना गया है, दर्पण माना गया है। कवि के अनुसार पर्वत रूपी मानव हजारों फूल रूपी नेत्रों से उस तालाब दर्पण में परछाई को बार बार देख रहा है। तो यहां पर प्रकृति का क्या किया गया है, मानवीकरण। मेखलाकार पर्वत अपार, ठीक है, तो पर्वत को क्या माना गया, मनुष्य, कई सारे क्या है, मनुष्य है। अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, सुमन मतलब फूल को क्या माना गया है, आंखें, अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर अवलोक रहा बार बार देख रहा है, क्या देख रहा है, तालाब दिख रहा है, तालाब को दर्पण मान लिए, क्या मान लिए, दर्पण। नीचे जल में निज महाकार जिसके चरणों में पला ताल
ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मतलब हम प्रकृति कंपेयर किससे करे है, आदमी से करे है, मानव से करे है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण यहां पर क्या है, अलंकार है। अगला अलंकार होता है भ्रमित अलंकार, जिसको देखकर क्या भ्रमित हो जाए, जिसको देखकर क्या हो जाए भ्रमित हो जाए, भ्रम उत्पन्न हो जाए आपके मन में, जहां प्रस्तुत वस्तु को देख करके आपने किसी वस्तु को देखी और उस वस्तु को देख करके किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, किस दूसरी वस्तु का क्या हो जाए, भ्रम हो जाए। आपने देखे कोई वस्तु को, आपने देखे कोई वस्तु को, आपने क्या देखे कोई वस्तु को, जैसे कि आजकल के बच्चे नकली पेपर को देख करके यूट्यूब पर डाल रहे ना, असली समझ ले रहे और उनके मन में भ्रम हो जा रहा है कि यही पेपर परीक्षा में आएगा, और जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर में कुछ फंसेगा क्या, और वो क्या हो जाएंगे फेल। मतलब प्रस्तुत वस्तु को देख करके किसी आप प्रस्तुत विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का क्या हो जाए, भ्रम हो जाए। तुमने एक लड़के को देखे और तुमको उसको देख करके लग रहा है अरे यार ये तो मेरा दोस्त राम है, और तुम पास जाकर के जब देखे तुमने तो पता चला कि यार ये तो कोई दूसरा आदमी है ना। प्रस्तुत वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु को क्या हो जाए, भ्रम हो जाए। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान। बोलो तुम क्या बोल रहे यहां पर, जहां प्रस्तुत वस्तु को देख करके किसी दूसरी वस्तु को क्या हो जाए, भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। आपने किसी एक वस्तु को देखे उसको देख करके आपको दूसरी वस्तु का क्या हो जाए, भ्रम हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा, भ्रांतिमान। जैसे जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, इसका मतलब समझना, जैसे ही कृष्ण भगवान जंगल में गए, जैसे कृष्ण श्याम मतलब कौन, कृष्ण भगवान कहां पर गए, जंगल में गए, वहां पर कौन गए, कृष्ण भगवान गए, लेकिन वहां के जितने भी जो मोर थे उनने कृष्ण भगवान को क्या समझ लिए कि सावन का महीना आ गया है, उनको किसका भ्रम हो गया, उनको कृष्ण भगवान को देख करके कृष्ण भगवान नहीं दिखे बल्कि क्या दिख गया, सावन का महीना दिख गया, घन श्याम दिख गया, मतलब काले काले बादल दिख गए, और मोर लोग क्या होने लगे, कृष्ण भगवान को देखे कौन लगे, नाचने लगे। तो उनको कृष्ण भगवान में किसका भ्रम हो गया, बादलों का भ्रम हो गया। चंद के भ्रम हो तो मोद है कुमुदिन को, ठीक है, देखो यहां पर देखना, अगला देखना, कपिकर हृदय विचार, ये सुंदर कांड की चौपाई से लिया गया है। दीन है मुद्रिका डारी तब, कपिकर मतलब हनुमान जी ने हृदय में विचार किया, दीन मुद्रिका मतलब अंगूठी नीचे गिरा दी, कब गिरा दी, जब वो सीता माता से मिलन कर, सीता माता से मिलने के लिए वहां पर वो गए थे रावण की लंका में, उनको उनसे उनका पता लगाने के लिए, खोज करने के लिए जब वो गए थे। जनु अशोक अंगार, और जैसे ही उन्होंने भगवान राम की है ना, दीन हर्षी उठ कर गहूं, खुशी के मारे वो उड़ गई, हर्ष हो गया, किसको हो गया, सीता माता को है ना। तो उनने किसको देखी, मुद्रिका को देखे, किन्ने देखी मुद्रिका को, सीता माता ने, और उसमें उसको किसका भ्रम हो गया कि जी मुद्रिका नहीं है जी, सच के भगवान कौन है, राम है, ठीक है। तो जहां पर एक किसी वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु से भ्रम हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान। ये बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए तीन अलंकार बहुत है, इतने याद कर लेना, इसकी फोटो खींच लो और ग्रुप में डाल देना।